मैं परेशान हो गया हूँ दो तीन बार रिकॉर्ड कर करके। बीच में किसी का फोन आ रहा है, कोई आ रहा है बीच में। मेरा क्या एडिट करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि कुछ फिर एडिट करूँगा तो कुछ चीज़ें छूट जाएगी। तो क्योंकि हम आज बहुत काम की बात करने वाले हैं, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, तो इसमें बिल्कुल आपको रॉ बातें पहुँचनी चाहिए, एक एक बात पहुँचनी चाहिए, ठीक है? ये लिखा हुआ है ना, स्टे रॉ, तो रॉ फुटेज। खसखस का शरबत है वो पी रहा हूँ मैं। आपके घर पे आऊँगा तो आप भी पिलाना हा? कोई भी चल जाएगा, प्रेम से पिलाओगे तो चल जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, काम की बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले म्यूज़िक कंपोज़र अप्रोच करता है, मैं या कोई भी फ्लूट प्लेयर हूँ, और कहता है कि भाई चिन्मय भाई, मेरा ये प्रोजेक्ट है, आप इसको एक बार देख लो, और मुझे इस पे फ्लूट का रिकॉर्डिंग चाहिए। या फिर वो हमको एक धुन भेज देता है, उसने कुछ पहले से दिमाग में कंपोज कर रखा है कि मुझे फ्लूट का ऐसा पीस चाहिए, तो वो हमको वो मेल करता है कि आप एक बार सुन लो। हम सुनते हैं और वो हमको एक टाइमलाइन बोलता है कि मुझे इस तारीख तक चाहिए, या शाम 6 बजे तक चाहिए, प्रोड्यूसर्स को देखना है। तो हम उस टाइमलाइन के अंदर उसको भेजते हैं बजा के। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हमको सब कुछ दे देता है कि आपको जो करना है करो, आपके हिसाब से फ्लूट ऐड करो, ऑल अप टू यू। मेरे केस में जब मैं काम करता हूँ तो मैं दोनों चीज़ करता हूँ। सबसे पहले टाइम को देखता हूँ, उनको क्या चीज़ चाहिए वो चीज़ सबसे पहले रिकॉर्ड करता हूँ, टाइम पे देता हूँ, और फिर खुद का भी मैं कुछ ना कुछ ऐड करता हूँ अगर टाइम रहता है तो। और उनको सब ऑप्शन दे देता हूँ कि ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, जो जो भी अच्छा लग रहा है ले लो। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। काम किस पे करते हैं, कैसे करते हैं, अब वो बात आ रही है, ठीक है? तो DAW, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिसपे आप अपना गाना रिकॉर्ड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, बना सकते हो गाने वाने म्यूजिक, ठीक है? तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट के अंदर, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत सारे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो उन सबके नाम। तो मैं किस कौन सा यूज करता हूँ, तो मैं यूज करता हूँ लॉजिक प्रो एक्स, ठीक है? लॉजिक प्रो एक्स जो होता है वो मैकबुक प्रो पे ही चलता है, तो मेरे पास मैकबुक प्रो है उसके लिए। इसके भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैंने कैसे इसको स्टार्ट किया, ये सब सीखा मैंने, मैंने बहुत सीखा है ये भी स्टूडियो जा जाके, ठीक है? और स्टूडियो वाले उन भैया का नाम क्या था, शैलोम भैया, तो वो तो उनको मैंने, वो साउथ इंडिया गए थे और उस टाइम मेरी इंग्लिश बहुत बहुत कमज़ोर थी क्योंकि प्रैक्टिस में ही नहीं थी। गुजरातियों दोस्तों के बीच रहा था तो वहाँ पे सब गुजराती बोलते थे, तो सब भूल गया था मैं, और दिन भर मैं संगीत कर रहा था तो बहुत कमज़ोर हो गया था मैं बोलने में। तो टूटा फूटा उनके पास जाता मैं, टूटी फूटी इंग्लिश बोलता और उनसे सीखता मैं, और वो भी सिखाते हैं। तो काइंड ऑफ अ वर्कशॉप कर ली, प्रोफेशनल नहीं थे वो, उन्होंने कहा था आ जा तू, तो आ जा तू तो सीख ले। तो मैं जाके देखता, सीखता, उनके पास बैठता, बहुत दूर था मेरे घर से, और मेरे पास एक TVS की स्कूटी थी उस टाइम पे। और फिर लास्ट में मैंने उनको एक लिफाफे के अंदर गुरु दक्षिणा दी थी, और मुझे ध्यान है कि उस वक्त बारिश आ रही थी, आज भी आ रही है, और मुझे फेविकोल नहीं मिल रहा था, और मुझे टाइम पे पहुंचना था, वो स्टूडियो बंद कर रहे थे, उनके कोई क्लाइंट रहे थे शायद से रिकॉर्डिंग के लिए, तो जब वो फ्री रहा करते थे तो मुझे सिखाया करते थे। तो बढ़िया, क्या दिन थे वो भी, जबरदस्त। तो हाँ, बेसिक उन्होंने सिखाया मुझे, शैलॉम भैया ने, शैलॉम जेकॉब, म्यूजिक इंजीनियर है वो, ठीक है? बैक टू द टॉपिक, सॉरी। तो अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, कैमरा अपने पास ले रहा हूँ, ठीक है? लैपटॉप मैंने खोल लिया है अपना यहाँ पे। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर है लॉजिक प्रो एक्स, आप देख सकते हो। अब इस सॉफ्टवेयर में दोस्तों होता यह है कि एक मुझे उन्होंने फाइल दे दी,
ठीक है, उस फाइल पे मुझे प्ले करना था। ये देखो ये फाइल है, हो सकता है आपको कैमरे का माइक आवाज साफ ना आए, बट कोशिश कर रहा हूं मैं। ये पूरा म्यूजिक बना के दिया उन्होंने मुझे, ये पूरा म्यूजिक बना के दिया उन्होंने मुझे। अब मुझे इसके ऊपर फ्लूट ऐड करनी थी, और रेफरेंस के लिए उन्होंने मुझे फ्लूट दी थी अपने कीबोर्ड पे प्ले करके, नकली वाली फ्लूट जो होती है ना, जो कीबोर्ड पे करते हैं प्ले, उसका साउंड सुनना। आवाज आ रहा है, सैंपल है ये। ठीक है, ये नकली फ्लूट है ये, मतलब वो ऐसे पियानो पे प्ले किया है फ्लूट के। ठीक है, तो वो उन्होंने सैंपल दे के चिनमय मुझे, ये मेरा मेन थीम म्यूजिक है, तो ये आपको करना है सबसे पहले टाइम पे। उसके बाद ये पूरा जो दिख रहे हो आपको, फाइल्स दिख रही है आपको, ये सब फाइल जो है नीचे, ये सब छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं आपको, ये टुकड़े हैं सब, ये सब फ्लूट की रिकॉर्डिंग्स है जो उनको मैंने बाद में करके दी इस पूरे ट्रैक के ऊपर। ओके, अब ये क्या चीज़ है, तो एक बार आप यूट्यूब पे जाके देखना, मैं आपको दिखा देता हूँ। यूट्यूब खोलना, डॉस सॉफ्टवेयर मैंने लिख रखा है, देखो यहाँ पे यूट्यूब पे, एक मिनट हाँ दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो एडवर्टीजमेंट के लिए मैंने काम किया है, तो एक फ्री फायर नाम का कोई गेमिंग कंपनी पता नहीं क्या है, तो उसका नाम है देव, देव फ्री फायर, कोई गेमर है ये और बहुत फेमस गेमर है ये, तो उसका एडवर्टीजमेंट था ये, और एडवर्टीजमेंट का एक ट्रेलर था। ठीक है, तो ये देखो पूरा एक उसकी कहानी के ऊपर है, मतलब उसकी जीवनी के ऊपर है, कैसे वो गेमिंग में आया, कितना स्ट्रगल किया उसने। तो इसका पूरा जो म्यूजिक था पीछे चल रहा है। तो सबसे पहले एक काम की बात ये कि आपको ये जो रिकॉर्डिंग का काम होता है, एडिटिंग का काम होता है, इसमें आपको केवल फोन का स्पीकर या फिर लैपटॉप का स्पीकर यूज नहीं कर सकते आप, आपको ईयरफोन हेडफोन तो जरूरी है, क्योंकि आपको एक एक बारीक साउंड आप सुन पाओ, डिटेलिंग सुन पाओ। तो अपने घर पे है ना, आप क्या करना, इस एडवर्टीजमेंट को देखना, इसकी कहानी, और हेडफोन लगा लेना। ठीक है, और शांति से पूरे उसको सुनना, डायलॉग्स को नहीं, उसके पीछे जो चल रहा है म्यूजिक, तो उसमें पूरे में 7 मिनट का जो है मेरा फ्लूट बजेगा, और फ्लूट के अलग अलग पीसेस आएंगे, मेन धुन भी आएगी। ठीक है, वीडियो तो इस पूरे वीडियो में देखना आप आराम से। दौड़ते हो चले जाते पिच, ये करने के बाद आप गेम अनइंस्टॉल करते हो। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना, ये सब लिख के ऐसा, और इसका एक ट्रेलर भी है, तो ये पूरा देखना। इसमें बहुत सारे फ्लूट के क्लासिकल म्यूजिक के पीस है, फ्लूट के सितार के, तो पूरा फ्लूट मैंने प्ले किया है। ओके, बैक टू दिस, तो ये लॉजिक प्रो एक्स है, और ये मैंने मैंने अपना फाइल सेशन खोल रखा है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैं कौन से माइक से रिकॉर्ड करता हूँ, तो देखो एक माइक पड़ा है मेरे पास, एक मिनट हाँ दिखाता हूँ मैं। तो ये मेरे पास एक डायनामिक माइक है, कंडेंसर माइक नहीं है, दोनों के अंदर बहुत फर्क रहता है। पानी के जग को साइड में रख देता हूँ। ठीक है, फिर ये जो है ये साउंड इंटरफेस कहलाता है, और ये हमारा लैपटॉप है। तो होता क्या है कि मुझे माइक की आवाज लैपटॉप में चाहिए, समझना ध्यान से, माइक की आवाज लैपटॉप में चाहिए। अब सीधे माइक का केबल तो डाल सकता नहीं हूं, तो मैंने माइक को इससे कनेक्ट किया, और इसको देखो, इसको मैंने लैपटॉप से कनेक्ट किया साउंड इंटरफेस को। ओके, और ये माइक लगा हुआ है, यहाँ पे माइक का तार है, तो माइक की आवाज़ पहले इसमें जाएगी, और इसमें होते हुए लैपटॉप में वो रिकॉर्ड हो जाएगी आपके सॉफ्टवेयर पे। समझ गए, ये ऐसे काम करता है पूरा। ठीक है, तो साउंड इंटरफेस होता है, अब साउंड साउंड इंटरफेस कौन सा लेना है,
ठीक है, ये सब बातें। तो साउंड इंटरफेस का एक ये बस मेन काम यही है कि आपके कोई भी इंस्ट्रूमेंट, केवल फ्लूट नहीं, गाना गा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसकी आवाज़ आपके सॉफ्टवेयर में पहुंचनी चाहिए साफ क्लियर। ठीक है, फिर माइक की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कंडेंसर माइक नहीं है ये। कंडेंसर माइक क्या करते हैं, हमने देखा होगा स्टूडियो पे माइक रहता है ऐसे गोल गोल, उनके ऊपर एक फिल्टर रहता है, तो वो कंडेंसर माइक कहलाते हैं। उसका काम ये होता है कि वो ना बहुत आवाज़ की बहुत डिटेलिंग को कैच कर लेते हैं और चारों तरफ से आवाज़ को कैच कर लेते हैं। अब मैं अपने घर में हूँ, यहाँ पे कोई साउंड प्रूफिंग नहीं है, नॉर्मल दीवारें हैं, ठीक है, पंखा चलता है, नीचे रोड की आवाज़ आती है, कभी दूध वाले की, कभी बच्चों के खेलने की, किसी के चिल्लाने की, कुत्ते के भौंकने की, ठीक है। तो कोई मेहमान बात करता है नीचे, उसकी आवाज़ आती है, पड़ोसियों की आवाज़ आती है चिल्लाने की। तो ये सब अगर मैं कंडेंसर माइक यूज़ करूँ तो उसमें आवाज़ वो कैप्चर कर ले, क्योंकि उसको एकदम साइलेंस चाहिए होता है, वो इतना डिटेलिंग कर लेता है कि दूर की आवाज़ भी कैच कर लेगा वो। ठीक है, तो जो आपको बताऊं, देखो जो लोग स्टेज पे कॉन्सर्ट करते हैं बड़े बड़े, तो कितना शोर रहता है ऑडियंस का, लोग चिल्लाते हैं ना, तो भी आवाज़ सिंगर की आती है, तो वो डायनेमिक माइक यूज़ करते हैं, अच्छी क्वालिटी का डायनेमिक माइक। तो ये जो है ना, जो स्कूल्स में होता है हमारे, ये डायनेमिक माइक कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सामने से आप गा रहे हो तो आवाज़ वही रिकॉर्ड करेगा, वो दूसरी आवाज़ कम रिकॉर्ड करेगा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो मैं अपने घर में डायनेमिक माइक यूज़ करता हूँ, कंडेंसर माइक यूज़ नहीं करता। ओके, तो वो कनेक्ट किया साउंड इंटरफेस से, ये साउंड इंटरफेस मेरा करीबन 20,000 के आसपास का है, और 20-25 के आसपास का है, इसमें चार माइक हम अटैच कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये, तो इसके चार ऐसे इन और आउटपुट वाला है पूरा ये, ठीक है। और माइक, अब माइक कौन सा है, अभी सबको ये चार की ज़रूरत नहीं है, आप एक वाला भी ले सकते हो, सस्ता भी आप ले सकते हो। तो ये हम किसी और वीडियो में करेंगे बात, ये अलग टॉपिक है। और माइक भी मेरे पास जो है वो SM58 बीटा है, जो वोकल रिकॉर्डिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का माइक है, तो वो भी अराउंड 12-15,000 के आसपास का है। ठीक है, तो और फिर ये सॉफ्टवेयर मैंने परचेज़ किया है क्योंकि मैं ये प्रोफेशनल काम करता हूँ, तो मेरा ये रोजी रोटी है। ठीक है, तो मैंने इसलिए इस पे इन्वेस्ट किया। जब मैं इसकी शुरुआत कर रहा था, जब मैं खुद सीख रहा था, अभी भी मैं कोई बहुत उस्ताद नहीं हूँ, लेकिन अभी भी सीख रहा हूँ मैं, लेकिन जब शुरुआत किया तो मैंने बहुत जुगाड़ से काम किया, बहुत जुगाड़ से काम किया। तो आपको महंगा खर्चा नहीं करना है, सस्ती चीज़ लो आराम से और उससे शुरुआत करो। एक एडोब का सॉफ्टवेयर आता है, एडोब ऑडिशन, या उससे भी पहले आप अपने, अगर आपके पास नॉर्मल लैपटॉप है विंडोज़ वाला, ठीक है, तो उसमें तो अभी इससे शुरुआत नहीं करनी है आपको, किसी भी बड़े DAW से स्टार्ट नहीं करना है, अभी आपको केवल कोई छोटे मोटे सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करना है। और एक नाम है जिससे मैंने स्टार्टिंग की थी, वो है एडोब ऑडिशन। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, एडोब ऑडिशन, तो ये मतलब आपको सिखा देगा, ये बहुत हाई सॉफ्टवेयर भी नहीं है और बहुत लो भी नहीं है, इससे आप अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये भी आपको परचेस करना पड़ेगा, पर इतना महंगा नहीं है, ये तो बहुत महंगा है, क्योंकि ये हम प्रोफेशनल फिल्म रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, चाहे हाउसफुल 4 की मैंने रिकॉर्डिंग की, बागी 3 की रिकॉर्डिंग की, अमेजॉन प्राइम के लिए किया मैंने काम, तो जो भी मैं काम करता हूँ सॉफ्टवेयर पे करता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत सारे लोग इस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। ओके, तो आप एडोब ऑडिशन देख सकते हो, और अगर कहीं से जुगाड़ करके मिल जाए सॉफ्टवेयर तो वो भी आप क्रैक करके उसको, देखो लिखा गया है क्रैक, ठीक है, तो वो भी देख सकते हो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो सीखने के लिए। और एक और सॉफ्टवेयर है, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक मिनट, हाँ मैं देखता हूँ नाम उसका। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर ये है ऑडासिटी नाम का आता है, ये आपको फ्री में मिल जाएगा आराम से, और बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ऑडासिटी से शुरुआत कर सकते हो, बहुत सिंपल है, छोटा सॉफ्टवेयर है, हल्का सॉफ्टवेयर है, बहुत भारी भी नहीं चाहिए, तो आपके पास जो भी लैपटॉप है उसमें ही आप काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपग्रेड करना एडोब ऑडिशन पे, थोड़ा और एडवांस है वो, और फिर लास्ट में जब अच्छे सीख जाओ कुछ साल, तो फिर आप इस तरह के सॉफ्टवेयर ले सकते हो। ठीक है, बहुत बता दिया मैंने अभी अभी, एक मिनट, हाँ समझ में आया होगा आपको ये।
अगले लेसन में मैं समझाऊंगा, दिखाऊंगा आपको रिकॉर्डिंग ये वाली मेरी, कैसे मैंने फ्लूट के पीस रिकॉर्ड किए हैं। आज मैंने आपको बेसिक समझा दिया है, ठीक है? देखो ये मेरे फ्लूट के पीस हैं अलग अलग। कैसे रिकॉर्ड किए, स्मॉल फ्लूट, ठीक है, ठीक है दोस्त। तो अगले लेसन में हम आगे सीखेंगे इसका। 15 मिनट का हो गया वीडियो, ये अपलोड करता हूँ मैं इसको आपके लिए। उम्मीद है समझ में आया होगा बेसिक थोड़ा बहुत तो, ठीक है? बहुत जल्दी वर्कशॉप करेंगे इस पर, क्योंकि ये वर्कशॉप वाली चीज़ें हैं। 3-4 दिन का वर्कशॉप रखेंगे इस पर, देखते हैं, प्लान करते हैं। पर पहले आप बेसिक समझ लीजिए, ठीक है? और गुरु पूर्णिमा चल रहा है अभी, तो उसका आपको शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, नमस्कार, प्रणाम। और हाँ यार, थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करो वीडियोज़।